राज्य उत्तर प्रदेश के जनपद अंबेडकर नगर के अकबरपुर ब्लॉक के गांव खुलासपुर में 4 सालों से वहां रास्ते पर पानी बाढ़ता था, बहुत सी परेशानी होती थी। उस पे जाके मैं पिछले साल जुलाई में वीडियो बनाई थी और 1 साल तक फॉलो अप करती रही। आज वहां जाके खड़ंजा लगा, खड़ंजे के ऊपर से मिट्टी पड़ी और वहाँ का समस्या दूर हो गया है। परेशानी में इतना पानी बाढ़ा पोंगा मनी जो गाँव ना होता वही में की गोबर भाव वही में की जनता आओ तो वही में की सब गिर जात वही में की कपड़ा लत्ता खराब होता है और मोटरसाइकिल ही गिर जाते हैं दुआरे दुआरे कहीं रास्ता हेरा था कौन कहीं जाए हुई कहीं। हम लोग यही चाहते हैं कि इसको बनवा दें, नाली बनवा दें, खड़ंजा यूज करा दें, सब ऊपर हो जाए और परेशानी दूर हो जाए, बच्चे भी आराम से रहे। हाँ, कुछ समस्या है कि वहाँ हमेशा जलभराव कीचड़ रहता है, खड़ंजा तो नीचे है लेकिन ऊपर से जलभराव रहता है। समस्या ये थी कि बजट नहीं उपलब्ध था और बजट अगर उपलब्ध होता है तो वहाँ लोग आपस में काफ़ी झगड़ा उगड़ा करते हैं, वो नाली जाने नहीं देते। राजस्व विभाग से जब हमने संपर्क किया तो पता चला कि ग्राम पंचायत या राजस्व गाँव के नक्शे में कहीं पर नाला या बाहा दर्ज नहीं है, तो वहाँ पर हम एक बातचीत किए हैं कि लोगों से किसी तरीके से बन जाए नाली, और अगर नाली नहीं बनती है तो हम उस खड़ंजा को ऊंचा उठा देंगे और उसके बाद जो रास्ता सफा हो जाएगा, लोग आते जाते रहेंगे। परेशानी रही 5-6 साल से आगे, पहले पानी बाढ़ रहा जनता जाए तब वो गाड़ी दे ही कहीं जाए आवे जाए दिक्कत होत रहे है, ये परेशानी रही है। अब क्या भाई आए अब जैसे अब सही बन गए को उतनी ना परेशानी उतनी भी। मैं आपके साल भर पहले जो आपने वीडियो बनाया था उस रास्ते का मैंने देखा और गांव वालों से भी मिल करके उनसे बातचीत किया। मैं ग्राम प्रधान जी को लेके और उस रास्ते का निरीक्षण किया, उसको मैं ग्राम प्रधान के सहयोग से मिल करके 1.5 से 2 फीट ऊँचा मैंने उस पर जो है ईंट के टुकड़े डलवा करके उस पर राबिश डलवा करके उसको ऊंचा करवा दिया, जिससे जल भराव की समस्या काफ़ी हद तक दूर हो गई। इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। हमारे गांव में जो खुला में चटोट खराब था उसको लेकर आपने वीडियो बनाया, हमसे बात किया और समुदाय से आपने बात किया, आपने बैठके किया, कई बार आप लोगों से मिले और लोग मुझसे कहने लगे, फिर हमने जो है समुदाय के साथ मिलकर आपका भी सहयोग मिला और उस रास्ते का निर्माण किया गया, रास्ते का उच्चीकरण किया गया। अब लोग आराम से हैं और रास्ते पर आ जा रहे हैं, गाड़ियां चल रही हैं, लोग पैदल चल रहे हैं, साइकिलें चल रही हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके लिए आपका और पूरे समुदाय को बहुत बहुत धन्यवाद, खास करके आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि वीडियो वॉलंटियर्स के जरिए एक मुद्दा आया और उसको लेकर एक जनपहल शुरू हुई और इससे काम तेजी से आगे बढ़ा। मैं गायत्री राज, उत्तर प्रदेश, जनपद अंबेडकर नगर, इंडिया, अनहर्ड के लिए।